जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से, यह जो आप बेल देख रहे हैं इसे नागेश्वर बेल के नाम से यह जाना जाता है। यह तंत्र की बहुत ही गुप्त सामग्री, जो कि बहुत ही गुप्त रखा गया, इसे आपको दिखा रहा हूँ। इसे यह जो है नागेश्वर बेल, इसकी पहचान कुछ इस तरह होती है। इसके जड़ों से ही यह जो निकलती है उत्पन्न, तो जुड़ी हुई निकलती है, इसे छुटाया जाए तो टूट जाती है। और तीसरे इसी के डंठल निकलते हैं, जो कि लपटे हुए नहीं होते हैं, पर पतली सी लाल रंग की सूते निमा यह निकलती है। इसी से इसकी पहचान की जाती है यह नागेश्वर बेल की। इसमें एक कंद भी निकलता है, पर यहाँ पे मैं कंद अभी दिखाया नहीं हूँ, कुछ समय कम था इस चलते वहाँ पे खनन नहीं कर पाया। यह वनस्पति बीहड़ पहाड़ों में प्राप्त होती है। इसके दो काम हैं। पहला तो ये इसके जो लपटे नुमा डंठल है, इससे वशीकरण कार्य हेतु कार्य लिया जाता है। किसी सामग्री के द्वारा कोई भी व्यक्ति की वशीकरण करने हेतु, उसके कुछ भी शरीर के अंग के कुछ भी हिस्से, जैसे कपड़े हुए, बाल हुए, चाहे धूल, इसमें लपट कर उसे ताबीज नुमा बना कर पहनने के लिए दिया जाता है, मंत्रों से अभिमंत्रित कर। और दूसरी बात, इसके जो पतले डंठल है, इसे धारण करने से ये वशीकरण का काट करती है। एक बेल में दो तरह के गुण हैं, इसीलिए इसे दोधारी तलवार की तरह कहा गया है। इसमें जो देखिए चकोतरा की लकड़ी लटकी हुई है, इसे में लपटी हुई है, और ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुई है, वो भी अचानक से ध्यान पड़ी इस पर। यह बहुत ही दुर्लभ होती है और इसका किया गया प्रयोग कभी विफल नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं वशीकरण, तो वशीकरण इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। वशीकरण में जब तक कोई वस्तु और उस इंसान से संपर्क ना हो हमेशा के लिए, तब तक वशीकरण कार्य ही नहीं करता, चाहे आप कितने भी प्रयोग कर लो। और ये जो छोटी सी पतली सी टहनी देख रहे हैं, इसको अगर कोई धारण करता है, तो धारण करता कभी भी वशीकरण का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। इसका काट भी यही है और इसका प्रयोग भी यही है। इस चलते इसे तांत्रिक वनस्पतियों में बहुत बहुत गुप्त रखा गया है। इसे दोधारी तलवार की तरह भी कहा गया है, और इसके प्रयोग बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। कई तरह के भूत बाधाओं को भी इसमें बांधा जाता है। जब कोई तरह का ऊपरी बाधा अगर हमसे संभाला नहीं जाता, तो यह उसे वशीकृत करके इसी में दबाया जाता है। इसकी कील को बनाकर इसे गाड़ा जाता है। देखिए, यह बहुत ही दुर्लभ बेल है जो आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर। इसकी पहचान करें, और इसके अगले वीडियो में मैं इसके कोशिश करूँगा कि इसके पौधे को दिखाऊँ। ये ऐसी लपटी हुई ये निकलती है, दोनों लपटी हुई, और किसी पौधे के माध्यम से नहीं लपटती, खुद में लपटी हुई निकलती है। और तीसरा जो इसका निकलता है सिरा, ये अकेला सिंगल निकलता है, ये लपटता नहीं है। देखिए, इसमें जो सिंगल पतले से लाल रंग के दिख रहे हैं, ये ऐसी ही निकलती है। तो देखें लाभ और इसकी पहचान करें, कहीं प्राप्त हो। यह भी तेलिया बेल की तरह दिखती है, पर तेलिया बेल में दूध नुमा निकलती है, तरल पद में नहीं निकलती है। यही इसकी पहचान है। यह बहुत ही गुप्त ज्ञान जो गुरुओं के द्वारा मैं प्राप्त की है, आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहीं न कहीं यह ज्ञान सिमट कर न रह जाए, और बहुत आदेश लेने के बाद आप सबों के बीच इस तरह के वीडियो में बन। इसके मंत्रों को इनको डालना वर्जित किया गया, पर इसे तिनके को धारण कर लेने से लाल तिनके को किसी भी वशीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता। पर इसे शुभ योग में लाएं, शुभ योग में इसे प्राप्त करें और इसका प्रयोग कर सकते हैं आप जी। धन्यवाद। जय महाकाल। जय श्री राम।